नशे में टल्ली होकर दो पुलिसकर्मी पहुंचे सिगरेट पीने। दुकानदार ने पैसा मांगा तो करने लगे हंगामा। वीडियो आया सामने। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा शहर में दो पुलिस आरक्षकों की करतूत में खाकी शर्मसार हो गए। सूत्रों की माने तो मंगलवार की रात शराब के नशे में टल्ली होकर दो पुलिसकर्मी SAF चौराहा स्थित पान के टपरे में सिगरेट पीने पहुंचे। वे दुकानदार को खाकी का टसन दिखाते हुए धूम्रपान किए। इसके बाद बिना पैसे दिए जाने लगे। दुकानदार द्वारा रोकने पर गाली गलौज शुरू कर दी। पीड़ित के बेटे द्वारा बीच बचाव करने पर मारपीट की, फिर हंगामा कर गोली मार देने की धमकी दी। जब अन्य ग्राहक पहुंचे और वीडियो बनाने लगे तो दोनों पुलिसकर्मी भाग गए। वारदात की जानकारी दुकानदार ने रात में ही कोतवाली थाना को दे दी थी। ऐसे में बुधवार को सुबह सोशल मीडिया में वायरल होने पर वीडियो वायरल होने के बाद SP नवनीत भसीन ने निलंबित कर दिया। फरियादी ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायती आवेदन दिया है। कहा कि मैं जितेंद्र कुशवाहा गुड़ चौराहे का निवासी हूँ। मेरी पान की टपरे की दुकान SAF चौराहे में है, जहाँ 25 अक्टूबर की रात दो शराबी आरक्षक आए। उन्होंने गाली देते हुए अपना नाम शंकर साकेत और शुभम सिंह परिहार बताया। इन दोनों ने महज 20 से 30 रुपए के लिए मारपीट की। बेटा आया तो गाली गलौज कर गोली मार देने की धमकी दी। समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ी घटना हो सकती है। ऐसे में तुरंत कार्रवाई की जाए। SK निलंबन पत्र में 26 अक्टूबर को जारी पत्र में SP नवनीत भसीन ने कहा कि सोशल मीडिया में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दो व्यक्ति शराब का सेवन कर एक दुकानदार से अभद्रता कर रहे हैं। वीडियो की पड़ताल करने पर आरक्षक 757 शंकर साकेत और आरक्षक 120 शुभम सिंह परिहार का नाम सामने आया। प्रथम दृष्टया कार्य के प्रति घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता पाए जाने पर दोनों को निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में दोनों का मुख्यालय पुलिस लाइन रहेगा। SP ने कहा कि रोजाना रक्षित केंद्र में होने वाली गणना में दोनों को उपस्थित रहना होगा। इस अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। पत्र की कॉपी SDPO कार्यालय मनगवा रक्षित केंद्र रीवा को भेजी गई। साथ ही कहा कि 5 दिवस के भीतर दोनों आरक्षकों के आचरणों की जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जा सकेगी। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।